मेहनत का स्पीड थोड़ा बढ़ा लो मेरे भाई। जो लोग ये सोच कर बैठे हैं इनसे कुछ नहीं होगा, उन्हें उनकी सोच से ऊपर उठकर दिखाएंगे कि मेहनत का स्पीड थोड़ा बढ़ा लो मेरे भाई। जो लोग ये सोच कर बैठे हैं इनसे कुछ नहीं होगा, उन्हें उनकी सोच से ऊपर उठकर दिखाएंगे। और अब तो भर्तियां आना स्टार्ट हो गई है ना, अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस बार फौजी हम भी बन जाएंगे। जय हिंद। बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाना है, और तुम बन जाना इंजीनियर साहब, हमें तो फौज में जाना है। जय हिंद। राग न लगा दूं अपने लफ्जों से पूरे जिस्म में तो कहना, फौजी बनने का जुनून न ला दूं तो कहना, बदल लेगा नीलेश भाई अपने नाम को भी अगर हर एक बंदे को वतन की मोहब्बत ना सिखा दूं तो कहना। जय हिंद। पिचल माना तू होगी छोरी मंत्री के पीए की, पिचल माना तू होगी छोरी मंत्री के पीए की, पर कभी भूल कर भी मत टकराना मैडम, क्योंकि ये बंदा तैयारी करता है टीए की। जय हिंद। लास्ट भर्ती है मेरी, इस बार पूरा जोर लगा दूंगा कि लास्ट भर्ती है मेरी इस बार पूरा जोर लगा दूंगा और इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो बजर थे तरू, फिर से हाई स्कूल का फार्म भरवा दूंगा। पूरे साल मेहनत की पर अभी भी हाइट का डर सताता है कि पूरे साल मेहनत की पर अभी भी हाइट का डर सताता है, और भोले इस बार मेरी हाइट करा देना क्योंकि ये फौज की वर्दी मुझे बहुत याद आता है। जय हिंद। इतने दिनों से खामोश बैठे थे, अब तो आवाज उठानी चाहिए कि इतने दिनों से खामोश बैठे थे, अब तो आवाज उठानी चाहिए, और अब तो हो गया ना नेताओं का चुनाव, अब सारी भर्तियां भी आनी चाहिए। जय हिंद। चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हूँ मेरे भाई, मेरे बापू ने मुझे अपने सिर का ताज रखा है कि चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हूँ मेरे भाई, मेरे बापू ने मुझे अपने सिर का ताज रखा है, और मेरी काबिलियत का तारीफ क्या करोगे जनाब, मैंने छोटी सी उम्र में लाखों दिलों पर राज कर रखा है। जय हिंद भाई लोग। भाई इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसमें इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, तो मेरा कहना यही है जब इतना भीड़ लगाकर रैलियां निकाली जा रही हैं, रैलियां निकल रही हैं, और इतना भीड़ जब तहसील में, तकदीर को बनाने में वक्त जरूर लगेगा जनाब, लेकिन हम हालातों को देखकर रुकने वाले नहीं कि तकदीर को बनाने में वक्त जरूर लगेगा जनाब, लेकिन हम हालातों को देखकर रुकने वाले नहीं और मंजिल को पाकर ही लौटेंगे, इन नाकामयाबियों के आगे हम झुकने वाले नहीं। रख भरोसा बापू मुझ पर तेरा नाम चमका दूंगा, कि रख भरोसा बापू मुझ पर तेरा नाम चमका दूंगा, और जो लोग पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं ना, कसम से उनसे भी सलाम ठोकवा दूंगा। जय हिंद। जो लोग ये सोच कर बैठे हैं जितना लिखा रहेगा नसीब में वही होगा, खुद बदल जाओ यारो, वरना समय ने बदला ना तो बड़ा तकलीफ होगा। टैलेंट की कमी नहीं भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे साहब, भरोसा करो इन लड़कों पर, नौकरी की प्रक्रिया में सुधार चाहिए, बेरोजगार है साहब, हमें रोजगार चाहिए। युवाओं को कोरोना से डर नहीं लगता साहब, डर तो बेरोजगारी से लगता है, कोरोना का डर तो बेरोजगारी से बहुत छोटा है। हंसलो हमारी हार देखकर, हम जो भी करेंगे हसीन करेंगे, कि हंसलो हमारी हार देखकर, हम जो भी करेंगे हसीन करेंगे, और ये छोटी मोटी वारदात तो बच्चों का काम है, हम तसल्ली भी करेंगे तो बेहतरीन करेंगे। हंसलो हमारी हार देखकर, हम जो भी करेंगे हसीन करेंगे, कि हंसलो हमारी हार देखकर, हम जो भी करेंगे हसीन करेंगे, और ये छोटी मोटी वारदात तो बच्चों का काम है, हम तसल्ली भी करेंगे तो बेहतरीन करेंगे। जय हिंद। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस एक छोटा सा मुकाम पाना है, कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस एक छोटा सा मुकाम पाना है, और जो लोग आज देखकर हंसते हैं ना, बस उन्हें फौजी बन के दिखाना है। जय हिंद। स्वीकार मेरी भी विनती होनी चाहिए, कि स्वीकार मेरी भी विनती होनी चाहिए, ए फौज की वर्दी, तुझे चाहने वाले पागलों में मेरी भी गिनती होनी चाहिए। जय हिंद। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, और हार कैसे मान लूं मेरे भाई, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। जय हिंद। जो नाम दिया घर वालों ने वो नाम कमाना बाकी है, कि जो नाम दिया घर वालों ने वो नाम कमाना बाकी है, और वैसे पाली बहुत सी मंजिल, अब फौज में जाना बाकी है, फौज में जाना बाकी है। जय हिंद। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी,
बस छोटा सा मुकाम पाना है कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस एक छोटा सा मुकाम पाना है। और जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, कसम से उन्हें भी एक दिन फौजी बन के दिखाना है। राम राम। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस छोटा सा मुकाम पाना है। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस एक छोटा सा मुकाम पाना है। और जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, कसम से उन्हें भी एक दिन फौजी बन के दिखाना है। राम राम। शहर वाले बोलते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही फौज में जाते हैं। कि शहर वाले बोलते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही फौज में जाते हैं। और जब हम गांव वालों को नौकरी मिल जाती है ना, तो यही लोग रिश्ता लेकर आते हैं। राम राम। हमारी नींद को तकलीफ ना ही मंदिर की घंटियों से है और ना ही मस्जिद की अजान से है। कि हमारी नींद को तकलीफ ना ही मंदिर की घंटियों से है और ना ही मस्जिद की अजान से है। हमारी नींद की तकलीफ तो बॉर्डर पर कटते हुए जवानों सिर से है और खेतों में मरते हुए किसान से है। जय हिंद। चार राउंड के चक्कर में पूरी साल गुजर जाती है। कि चार राउंड के चक्कर में पूरी साल गुजर जाती है। और अगर मेहनत में थोड़ी सी भी कमी हो ना मेरे भाई, तो जिंदगी रस्सी पे लटक जाती है। राम राम। रेस बनाते महीनों हो गए, अब तो इंतजार है भर्ती नए साल की। कि रेस बनाते महीनों हो गए, अब तो इंतजार है भर्ती नए साल की। और अब की बार फौजी हम भी बन जाएंगे, अगर कृपा रही महाकाल की। जय हिंद। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस किसी का गुरूर तोड़ूंगा। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस किसी का गुरूर तोड़ूंगा। और शरीर चाहे कितना भी सूख जाए, खुद को फौजी बना के छोड़ूंगा। जय हिंद। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस किसी का गुरूर तोड़ूंगा। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस किसी का गुरूर तोड़ूंगा। और शरीर चाहे कितना भी सूख जाए, खुद को फौजी बना के छोड़ूंगा। जय हिंद। हम आर्मी वाले बंदे हैं जनाब, बेईमानी की कमाई चखते नहीं हम। कि हम आर्मी वाले बंदे हैं जनाब, बेईमानी की कमाई चखते नहीं हम। और माना कि फौजी बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो आसानी से बन जाए वो बनते भी नहीं हम। जय हिंद। जो लोग हार के इंतजार में बैठे हैं उन्हें पैगाम देना है। कि जो लोग हार के इंतजार में बैठे हैं उन्हें पैगाम देना है। और बस भर्ती का इंतजार है मेरे भाई, इस बार पूरी तैयारी के साथ सिलेक्शन लेना है। जय हिंद।